असम के विधानसभा के 39 और पश्चिम बंगाल के 30 सीटों पर दूसरे चरण का वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम सीट पर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी बीच कड़ी टक्कर है। इस सीट पर सीपीएम की मीनाक्षी मुखर्जी भी उम्मीदवार है। पटना स्थित आईजीएमएस में गुरुवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने राज्य में 45 वर्ष से अधिक लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पूरा देश आज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इसलिए सबको वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए सरकार पूर्ण रूप से कार्यरत है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहने की भी अपील की है। 45 साल से अधिक के लोगों को टीका देने की शुरुआत हुई और मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिस दिन मेरी बारी आएगी तो मैं तुरंत जाके टीका लूंगा। मेरी उम्र 45 वर्ष से अधिक की है और आज मैं आईजीएमएस में आया हूँ और अभी मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है।